गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय, दिस इज शैलेंद्र चौहान और आज हम स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 12 देख रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक नोट्स दिए हुए हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट हैज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रिसिटी? How does it flow in an electric current? What are the factors that control the regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt the answer to such questions. We shall also discuss a heating effect on electricity and its application. यानी इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से निकालेंगे। ठीक है, और तो दो हमारे दो तीन क्वेश्चन आए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट इज़ फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट होता कैसे? वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। ठीक है, हमको एयर करंट और वाटर करंट के बारे में पता है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इज रिवर। ठीक है, लगातार जो पानी बहता रहता है उसे वाटर करंट कहा जाता है और जो कि रिवर्स में देखने को मिलता है। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की मदद से अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है लगातार फ्लो करता रहे, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटालिक वायर, यानी मेटल के वायर में से, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल, टॉर्च जब हम ब्लो करते हैं नाइट के टाइम तो हमें क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी यानी जो उसके अंदर सेल लगता है उसके बारे में भी पता है। और अब बैटरी, व्हेन अ प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर, और उसे सही ऑर्डर में अंदर प्लेस करना रहता है। ठीक है, प्रोवाइड फ्लो अ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ टॉर्च बल्ब टू ग्लो, यानी कि उसे ग्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्च में जब सेल डालते हैं तो उसे क्या होता है, करंट प्रोवाइड होता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली इट्स स्विच ऑन, यानी कि हमने देखा कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तभी लाइट जो है वो ग्लो करती है, अदरवाइज वो ग्लो करती है नहीं। वॉट डज अ स्विच डू, स्विच करता क्या है? अ स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब, यानी जो स्विच होता है वो क्या करता है, सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक कनेक्ट करता है जिसकी मदद से क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो कंटिन्यूअस पाथ होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन दी हुई है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इफ इट सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी कि अगर जो ये सर्किट है वो कहीं पर ब्रोक हो जाए या फिर हम जो स्विच को ऑफ कर दें तो जो बल्ब है वो ग्लो करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ये तो आप सभी जानते ही हो। हाउ इट इज़ एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज यूनिट टाइम में सप्लाई होता है उसके बारे में जानना है। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स इट इज़ रेट और फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करता है उसके बारे में। इन अ सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूशन द फ्लो ऑफ चार्ज, हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नो एट
द टाइम वेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडरेड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेक टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनली इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो पॉजिटिव चार्ज से वो सप्लाई होती है कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी नेगेटिव चार्ज से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में. ये जो माइनस चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और वो कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ. यानी कि जब भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के, यानी प्लस की तरफ से निकल के माइनस की तरफ नहीं जाता. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यानी ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके वो क्या करते हैं, डिसअट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उसे दूसरी तरफ भेजते. तो माइनस की तरफ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू होता है और किस तरफ जाता है, प्लस की तरफ जाता है. यानी कि जो नेगेटिव वायर है उसी में से बस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव वायर की तरफ वो क्या होता है, फ्लो होता है. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है. अब यहाँ पे कोई चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बताया इफ एन नेट चार्ज क्यू, यानी कि अगर हमारा नेट चार्ज जो है वो क्यू फ्लो अक्रॉस में क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, यानी कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के अंदर, यानी कि अगर हम क्या करें एक वायर को कट कर दें यहाँ से, तो ये जो सेक्शन है वो इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है, तो ये जो है टी टाइम में इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है. ठीक है, करंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आई से, करंट चार्ज के अमाउंट को क्यू से, और कितने टाइम में फ्लो हुआ उसे टी से. तो हम क्या कहेंगे, उसका एक फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कितना करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, टोटल करंट. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कूलम, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से. यानी अगर हम कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या, तो हम क्या बोलेंगे, कूलम. कूलम यानी कि सी से रिप्रेजेंट करता है. विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग इन नियरली 6×10⁻¹⁸, यानी कि 6 एक इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं फिर से बताता हूँ आपको, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग नियरली, यानी एक बार में कितना करंट फ्लो होता है वो लगभग 6×10⁻¹⁸ के बराबर होता है. यानी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है लगभग एक बार में, इस तरह से टोटल 18 जीरो लगाने हैं आपको, इतने कूलम करंट फ्लो होता है. ठीक है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक पजेस अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा. ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट सेल एम्पियर. ठीक है, किसमें, यूनिट सेल के अंदर उसे किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो एम्प्रे बोलते हैं, एम्पियर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लिखा होता है एम्पेरे. नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्प्रे, यानी कि इसकी खोज किसने की थी, एंड्रे मैरी एम्प्रे ने लगभग 1775-1836 उनकी लाइफ रही थी, और उसके बीच में इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे किस नाम से जाना गया है, एम्प्रे के नाम से. वन एम्प्रे इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर जो होता है वो 1 सेकेंड में इतना चार्ज अप्लाई करता है, और 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, और 1 कूलम बराबर इतने इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ अ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर,
और जो इसकी स्मॉल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं मिली एम्पियर, इसको हम बोलेंगे एम्पियर, इससे छोटा यूनिट आएगा तो उसे क्या बोलेंगे मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का यहाँ मतलब यहाँ पे होता है 10^-3 एम्पियर। इन अ माइक्रो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी होता है, यानी कि पहले एम्पियर होगा फिर उससे छोटा मिली एम्पियर और उससे छोटा माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर यानी 10^-6। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल ए मीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, यानी कि ए मीटर की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है सर्किट में मेजर किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजरेड, यानी कि क्या होता है इसका मतलब ये एक कंटिन्यूस सर्किट में कनेक्ट होता है और इसकी मदद से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है। फिगर 12.1 शोज द सेमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट कैम्परिजिंग सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर, प्लग, की, नॉट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एमीटर। यहाँ पर इसने डायग्राम बता के आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से सर्किट होता है, ठीक है। डायग्राम देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोई भी नॉर्मल सर्किट होता है वो इस तरह का होता है। अब सपोज़ करो ये बल्ब है और ये हमने क्या लगा रखी है बैटरी, तो बैटरी में देखो आप इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, यानी ये है कि इसको जैसे ही आपने क्या किया ऑन किया, जैसे ही आप ऑन करोगे तो जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज से फ्लो हुआ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से फ्लो होगा और कहाँ जाएगा बल्ब की तरफ जाएगा। बल्ब की तरफ जब जाएगा तब जैसे ही यहाँ बल्ब के पास पहुँचेगा तो क्या होगा ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। बल्ब ग्लो करना चालू होगा और उसके बाद फिर करंट निकल के आगे जाएगा और वहाँ से जब इसके पास पहुँचेगा तो क्या होगा एमीटर मेज़र करेगा कि कितना करंट बाकी रहा जो कि यहाँ एमीटर के पास पहुँचा, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे आपने 20 वोल्ट का क्या किया करंट अप्लाई किया और ये बल्ब अगर ऑलरेडी 20 वोल्ट का है तो ये क्या करेगा पूरा करंट अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सर्किट कम्प्लीट हुई तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा 20 वोल्ट, तो ये एम्पियर बता देगा कि कितना करंट सप्लाई हुआ है 20 वोल्ट, ठीक है। अगर उससे कम हुआ तो बल्ब कम ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि अगर सपोज़ करो ये 20 वोल्ट का ही बल्ब है, ये जो बल्ब है ये कितने वोल्ट का है 20 वोल्ट का बल्ब है, तो अगर आपने यहाँ से 16 वोल्ट अप्लाई किया तो एम्पियर हमें कितना रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर 16 वोल्ट करंट ही अप्लाई हुआ है, ओनली 16 वोल्ट, तो ये बल्ब जो है वो ठीक से लाइट देगा नहीं, यानी कि ठीक से ग्लो करेगा नहीं, ठीक है। तो ये है एक नॉर्मल सर्किट जिसके बारे में मैंने आपको बताई, सिंपल सर्किट है जिसे हम बोलते हैं एक क्लोज सर्किट, ठीक है। सर्किट के भी दो टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ये है एक क्लोज सर्किट, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, देख लेते हैं एक बार रिवीजन में। तो हमने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो एक क्लोज पाथ को जिसके अंदर करंट सप्लाई होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरी चीज कि उसका एक फॉर्मूला होता है I=Q/T, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6×10^18, एंड नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसके लिए करंट जो होता है वो कितना हो जाता है 1.6×10^19। इसको मेज़र करने के लिए एम्प्रे का यूज़ किया जाता है जिसे हम एम्पियर कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है एंड्रे मेरिन एम्प्रे 1775-36, ये उनकी लाइफ थी।
तो यहाँ पे एम्परे नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए एम्पियर के नाम से जाना गया। ठीक है, एम्पियर तीन टाइप के होते हैं, एक एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एक एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तीनों के बीच का डिफरेंस, वन एम्पियर इज इक्वल्स टू वन कूलम, वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10^3 एम्पियर एंड वन मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10^3 एम्पियर एंड वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10^6 एम्पियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।